तो गाइज़ मैंने इस बाइक को सिर्फ लिया ही इसलिए कि मैं ना इससे ना स्टंट सीख सकूं। ओ भाई साहब 190 200, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है भाई। इस बाइक में मस्त बाइक है बिल्कुल भाई साहब। ये देखो भाई साहब क्या चल रही है बाइक यार। ओ तेरी। हे गाइस वेलकम टू आरजी गेमर। गाइस कैसे हो आप सब? तो गाइस आज मैंने एक न्यू बाइक परचेज़ कर ली है और गाइस आपको बाइक मालूम हो ही गई होगी, आपने थंबनेल देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि वो बाइक कौन सी है। तो गाइस वो जो बाइक है वो है यामा की MT07, जो कि इस पूरी स्पोर्ट बाइक है और वो अभी मेरे गैराज में खड़ी है क्योंकि वो बाइक आ चुकी है मेरे घर पर और वो ही अंदर खड़ी है मेरे गैराज में। और गाइज यहाँ पे और भी मेरी बहुत सारी कार बाइक है जो कि एक मेरा छोटा सा कलेक्शन है, मैं आपको दिखाऊं। तो ये मेरा है गोल्ड लंबोर्गिनी जो कि मैंने खरीदी थी लास्ट टाइम। आप इसकी भी वीडियो जाके मेरे चैनल पर विजिट कर लो, सारी सबकी वीडियो मिल जाएगी आपको। और एक गाइज ये वाली कार है जो कि रोल्स रॉयस फैंटम वाली फैंटम है और ये है मैंने मुकेश अम्बानी से चुराई थी और ये तो मैंने बहुत ही जल्दी चुराई है, पिछले हफ्ते चोरी की थी। तो आप इसकी भी वीडियो चैनल पर जाके विजिट कर लो, मिल जाएगी। और गाइज ये है ऑडी R8, ठीक है गाइज। तो ये है ऑडी R8, तो मैंने ये परचेज़ की थी और इसको बेस्ट मॉडिफाई करवाया था और कुछ ज़्यादा पैसे खर्च हो गए थे। और गाइज जो मेरे अंदर खड़ी है गैराज के अंदर ये है लैम्बोर्गिनी यूरस, तो ये अभी ब्लैक कलर की लग रही है आपको लेकिन ये है ग्रीन कलर की। और ये भी ना भाई बहुत मस्त पिकअप इस कार का और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार है। तो गाइज मेन चीज़ पे आते हैं, वो रही मेरी बाइक खड़ी है, मैं इसको निकालता हूँ बाहर फटाफट। तो भाई साहब मैं बाहर अब इसको निकालता हूँ, ठीक है। तो हेलमेट लगाना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मैं इसको बाहर निकालता हूँ आराम से। और भाई गाइज इसकी पिकअप बहुत तेज है। तो गाइज ये देखो ये है यामा की MT07, तो ये है MT07 और इसका लुक देखो गाइज। मैं आपको इसका ना क्लोज व्यू दिखाता हूँ थोड़ा सा अच्छे क्वालिटी के साथ, ठीक है 1 मिनट। तो भाई साहब ये देखो गाइस ये देखो ये इसका क्लोज व्यू है ना मस्त। ओ भाई साहब क्या क्वालिटी है यार, क्या क्वालिटी देखो गाइस, क्या बाइक की क्वालिटी है। तो भाई साहब क्या मस्त है यार, 1 मिनट। तो गाइस ये देखो ये इसका फ्रंट का लुक। ओ भाई साहब फ्रंट तो बहुत ही यूनिक सा लगा, क्लासिक सा, सिंपल सा और बहुत अच्छा सा। ये इसका साइड लुक और ये इसका पीछे का। अभी तक इसकी नंबर प्लेट आई नहीं है तो क्योंकि ये आज ही आई है मेरे पास और इसकी नंबर प्लेट आई नहीं है, तो इसकी नंबर प्लेट आ जाएगी ऑटोमेटिक घर पे। तो गाइज ये मेरे को पड़ी है 7-8 लाख रुपए करीब, तो सारे अमाउंट लेके 8 करीब पड़ गई, इंश्योरेंस लेके सब कुछ लेके। तो गाइज मैं इसके अंदर इसके ऊपर बैठता हूँ और गाइज आज मैं इसके साथ पता क्या करने वाला हूँ। तो गाइज मैं इस पर बैठ चुका और गाइज मैं आज इसकी ना टॉप स्पीड चेक करने वाला हूँ और थोड़े से ना स्टंट मारने वाला हूँ। तो गाइज मैंने इस बाइक को सिर्फ लिया ही इसलिए कि मैं ना इससे ना स्टंट सीख सकूँ और स्टंट मार सकूँ, ठीक है। तो इसको लेके चलते हैं, इसकी टॉप स्पीड भी मुझे करनी है चेक। और गाइज जैसे कि आपको पता है कि GT5 के पूरे लॉस सैंटोस के यहाँ कोई ऐसा रोड है नहीं जो खाली रहता है और जहाँ मैं इसकी टॉप स्पीड चेक कर सकूँ। तो इसकी टॉप स्पीड चेक करने के लिए मेरे को जाना पड़ेगा एयरपोर्ट और एयरपोर्ट में मैप में दिखाता हूँ कहाँ पर है, ठीक है। तो गाइज ये रहा एयरपोर्ट, यहाँ पे नहीं यहाँ पे, तो यहाँ से हमें जाना पड़ेगा, एंट्री लेनी पड़ेगी यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ मैंने लोकेशन सेट कर दिया इस वाले रोड पे, ठीक है भाई। और ये लोकेशन सेट हो गया और मेरे को बस यहाँ से जाना है अपने घर से एयरपोर्ट की ओर। तो अब चलते हैं फटाफट। और गाइज इसकी टॉप स्पीड चेक करनी है और मैंने इसको ले ही की इसलिए है कि मैं इसमें टॉप स्पीड और क्या बोलते हैं स्टंट मार सकूं। तो मैं आपको इसको दिखाता हूँ स्टंट मार के। सबसे पहले तो मैं इसका आगे वाला पहिया उठा के दिखाता हूँ आपको, देखो ये देखो इधर गाइज। तो ये बहुत ही सिंपल बाइक है, आप इससे ना बहुत अच्छे अच्छे स्टंट मार सकते हो, ये देखो। तो मैंने इसलिए लिया इस बाइक को। और गाइज इसका पिकअप भी बहुत अच्छा है और मुझे इसकी टॉप स्पीड भी चेक करनी है। तो जो कंपनी कहती है वो तो 250 करीब कहती है कि भाई ये बाइक 250 आराम से पकड़ लेगी बाइक स्पीड। तो देखते हैं भाई कितनी स्पीड है इसकी। ओ भाई साहब इसका ओ बच गया भाई साहब, फटाफट चलो
तो गाइस ये देखो यार क्या लुक है बाइक की। ओ भाई साहब, तो गाइस बहुत ही महंगी पड़ी स्पोर्ट बाइक है पूरी। ओ भाई साहब, तो ये चीज़ मुझे भाई बहुत अच्छी लगी बाइक की। और गाइस इसका जो इंजन है वो 700 करीब कुछ का इंजन है। तो गाइस चलते हैं फटाफट एयरपोर्ट पे, मैं आपको उसकी टॉप स्पीड दिखाता हूँ कि कितनी होगी। और गाइस मुझे नीचे बता कमेंट बॉक्स में कि इसकी टॉप स्पीड कितनी होगी। और इसका ब्रेक भाई, ब्रेक सिस्टम बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा ब्रेक सिस्टम है भाई। बच गया भाई, अभी तो एक्सीडेंट हो जाता। गाइस लुक देखो यार बाइक की, ये होती है लुक बाइक की भाई। अरे क्या कर रहा भाई, एक्सीडेंट हो जाता भी तगड़ा। जल्दी हट जा फटाफट। तो गाइस देख रहे हो, ये मैं अपने ड्रोन से शूट कर रहा हूँ, तो ड्रोन से भाई शूट करने का मज़ा ही अलग है भाई। ओह फटाफट फटाफट, ओह यहाँ से अभी मुड़ना में। तो गाइस आपको बाइक कैसी लगी? अगर आपको बाइक अच्छी लगी होगी और वीडियो की क्वालिटी अच्छी लगी होगी तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब और वीडियो कर देना लाइक। और मैं आपको ऐसे ही मिलता रहूँगा इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस फिलहाल मैं इसको इसकी टॉप स्पीड आपको दिखाता हूँ। ओ भाई कहाँ जा रहा है यहाँ से? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। तो गाइस अब मैं बहुत तेज़ जाने वाला हूँ, काफ़ी हो गया ड्रोन से शूटिंग, अब चलते हैं फटाफट। और गाइस अब इसकी टॉप स्पीड आपको दिखेगी भाई मस्त। तो गाइस मुझे नीचे बता कमेंट बॉक्स में इसकी टॉप स्पीड कितनी होगी। ओ भाई साहब रुक जा। यस, तो गाइज मैं एयरपोर्ट पे आ चुका हूँ, ठीक है। तो गाइज यहाँ से एंट्री होगी, देखो यहाँ से एंट्री होगी गाइज। तो गाइज मैं यहाँ से चलता हूँ अंदर फटाफट, ये तोड़ा और यहाँ पे गेट अभी ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिक। चल भाई ओपन हो यार। तो गाइज अब मैं आपको इसकी टॉप स्पीड दिखाने वाला हूँ, बहुत ही मस्त होने वाली है यार। ओ भाई साहब, गाइस क्या पिकअप है इसका, ओ तेरी। ओ भाई साहब, तो गाइस ये यहाँ से स्टार्ट होगी इसकी टॉप स्पीड। भाई साहब अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम इसकी टॉप स्पीड इस वाले रोड पर। तो गाइस यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। तो गाइस ये वाला जो रोड है बिल्कुल सीधा है और बहुत ही स्ट्रेट रोड है, मैं आपको मैप में दिखा दूँ एक बार। तो गाइस ये देखो, तो गाइस ये देखो यहाँ पे हमें, और यहाँ से हम जाएंगे अभी यहाँ से इसकी यहाँ तक की ना टॉप स्पीड करेंगे चेक कि कितनी है। तो भाई साहब स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो गाइस 1 2 3 स्टार्ट। ओ भाई साहब, भाई साहब क्या इसकी स्पीड है यार। तो गाइस कंपनी ने 250 कहा था, 250 हो चुकी है, 260 270 280 लास्ट। ओ शेट, तो गाइस कुछ ज़्यादा स्पीड के चक्कर में ना मेरा एक्सीडेंट हो गया यार, कुछ ज़्यादा तेज़ चला गया था, मैंने आगे देखा नहीं कि भाई रोड ख़त्म होगी। तो भाई इस बात का मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, और थोड़ी सी चोट आई है लेकिन जो मेरी बाइक है वो स्ट्रॉन्ग है और इसलिए मेरी बाइक बच चुकी है। लेकिन कोई नहीं भाई, आपने देखा गाइस कंपनी ने 250 कहा था लेकिन ये 280 करीब जा रही है, और इसका पिकअप भी बहुत अच्छा है। मैं आपको एक बार और इसकी टॉप स्पीड दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखो गाइस। ओ भाई साहब 190 200 240 250 हो गए, 260 270 270 280 880 यस। ओ ब्रेक ब्रेक, शेट मैन गाइस फिर से ब्रेक नहीं मार पाया यार 280 के चक्कर में, आपको 280 दिखाने के चक्कर में ना फिर ब्रेक नहीं मार पाया। लेकिन कोई नहीं, 280 तो आपने देख लिया। तो गाइस इसकी टॉप स्पीड जो है वो कंपनी जो ने जो बोला था उससे भी हाई गई है, 280 है, तो ये बहुत अच्छी बात है इसके लिए। और गाइस अब हम मारने वाले इससे कुछ स्टंट, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे ड्रिफ्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ ड्रिफ्ट करके आपको, ये देखो गाइस मस्त है ना। ओ भाई साहब,
ये होती है ड्रिफ्टिंग भाई, बाइक ड्रिफ्टिंग क्या बाइक से कर रहा हूँ गाइस, पूरा गोल बना दिया मैंने, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है भाई। इस बाइक में मस्त बाइक है बिल्कुल, पूरा ड्रिफ्ट बाइक है भाई, क्या ड्रिफ्ट कर रही है बाइक, ओ भाई साहब। और गाइस अब मैं इसको उठाने वाला हूँ आगे वाला पहिया, ये देखो वन यहाँ पर, ओ भाई साहब क्या पिकअप पकड़ रही है यार, इधर गाइस तो भाई साहब, ओ भाई साहब देखो, ओ भाई साहब गाइस क्या लुक है यार बाइक का, भाई साहब भी देखो भाई साहब क्या चल रही है बाइक यार, ओ तेरी भाई साहब। गाइज मैंने इस बाइक को इसलिए लिए कि यहाँ पे ना मैं अच्छा खासा स्टंट मार सकूँ, ये देखो पीछे वाला पहिया भी उठा दिया भाई साहब। अब गाइज मैं आपको दिखाता हूँ उठा के पीछे वाला पहिया, ये देखो देखो, ओ भाई साहब चीज़ है कुछ बाइक की यार, जबरदस्त बाइक है, ओ भाई साहब, भाई साहब क्या बाइक चल रही है मस्त, भाई गाइस कुछ भी कहो यार बाइक है। तो गाइस आपको ये वीडियो फिलहाल कैसी लगी नीचे तो ना कमेंट बॉक्स में, और चैनल को कर देना सब्सक्राइब और वीडियो कर देना लाइक, और मैं आपको ऐसे ही मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ओके गाइस तब तक के लिए बाय बाय टाटा। तो गाइस बाइक कैसी लगी मुझे नीचे तो ना कमेंट बॉक्स में, और अगर बाइक और क्वालिटी अच्छी होगी तो चैनल कर दें सब्सक्राइब। ओके गाइस बाय बाय।